तो साथियों आज हम डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और फेजर डायग्राम को समझना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन उसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर नो लोड है तो नो लोड है तो जो मोटर में जो स्टेटर की जो वाइंडिंग्स है, स्टेटर में जो हम थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं, कॉपर्स की वाइंडिंग्स करते हैं मोटर के, वो स्टेटर में वाइंडिंग्स होने के कारण उस मोटर में आपकी क्या होगी, इंडक्शन फिनोमेना होगी। ठीक है, जो आर वाई बी थ्री फेज वाइंडिंग्स करते हैं तो मोटर में आपकी कौन सी होगी फिनोमेना, मोटर में जो फिनोमेना आपका होगा वो आपका इंडक्शन फिनोमेना होगा। चलिए ये बात तो हमें क्लियर हो गई साथियों। दूसरी बात, अगर सिंक्रोनस मोटर की बात हम करें तो सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड है, स्पीड क्या होती है, कॉन्स्टेंट। स्पीड आपकी क्या होती है स्टूडेंट, स्पीड कांस्टेंट मोटर होता है, स्पीड कांस्टेंट मोटर ये होती है, स्पीड कांस्टेंट मोटर। चलिए दूसरी बात ये है जो हमें निकल के आती है कि ये यूनिटी लैगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर पर क्या करती है, ऑपरेट इजली हो जाती है। तो लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर जो मोटर ऑपरेट होती है पूरे यूनिवर्स में, वो एक ही आपकी कौन सी मोटर है, सिंक्रोनस मोटर। अब इसकी बात करें अगर फेजर की, तो फेजर बनाते समय सबसे पहले जो रेफरेंस होता है उसको हम लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, रेफरेंस क्या होता है, वोल्टेज। मोटर की क्राइटेरिया ये है, मोटर की कंडीशन ये है कि जब भी हम उसे वोल्टेज देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। पहली बात, जो रिजल्टेंट बैक ईएमएफ वोल्टेज का मिलना चाहिए वो टॉर्क एंगल होने के कारण हमारा कुछ डेल्टा डिग्री शिफ्ट हो जाता है। कितना शिफ्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, डेल्टा डिग्री, जिसको कि बैक ईएमएफ हम यहां पे फाइंड करते हैं, और ये वाला जो रेफरेंस एंगल है इसे हम डेल बोलते हैं। और डेल आपका क्या है, टॉर्क एंगल है, जो कि हमारा इस नॉर्मल से शिफ्ट होके यहां पे हमें मिला। यानी कि ये टॉर्क एंगल, जब मोटर पे टॉर्क लगेगा तो उसका एंगल भी हमारा चेंज होगा, यानी कि जो वोल्टेज का बैक ईएमएफ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज यहां पे मिलना चाहिए था, वो बैक ईएमएफ डेल्टा डिग्री चेंज होने से ये यहां पे मिल रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इस ईबी और वी की बात करें तो ईबी और वी के बीच का एक रिजल्टेंट आता है स्टूडेंट्स, जिसको क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं। ये रिजल्टेंट फेजर है जिसको कि हम ईआर बोलेंगे। अब फेजर सम से इसको हमने क्या किया, मीट कर दिया, मिला दिया। और फेजर सम से इसको हमने क्या किया, मीट कर दिया, मिला दिया। अब एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आपका मोटर नो लोड पे चल रहा है तो क्या जो मोटर की स्टेटर वाइंडिंग है उसका नेचर कैसा है। तो मोटर की जो स्टेटर वाइंडिंग है स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, वो इंडक्शन फिनोमेना की, वो कौन सी फिनोमेना की, इंडक्शन फिनोमेना, इंडक्शन फिनोमेना। तो इंडक्शन फिनोमेना जब भी जहां भी होगा वहां आपका 110% वोल्टेज से करंट क्या करेगी, लैग करेगी, यानी कि करंट यहां पे लैगिंग आपको दिखाना है। हमेशा ध्यान रखिए, लीडिंग और लैगिंग के कॉन्सेप्ट में हम फेजर को एसी डब्ल्यू लेके चलते हैं या मान के चलते हैं। एसी डब्ल्यू का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि एंटी क्लॉकवाइज फेजर। एसी डब्ल्यू का मतलब ये है कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई आपकी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, दिस इज द क्लॉक, और एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या चलता है, फेजर चलता है। तो फेजर आपका क्या चला, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फेजर यहां से यहां चला, दिस वन दिस वन दिस वन। बिल्कुल ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज चलते समय जो भी फेजर आपका बाद में आता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका वी है और यहां पे आपका आई आ गया, एंटी क्लॉकवाइज चलते समय इस वी के बाद में आपका आई आ रहा है, इसका मतलब कि आई वी से पीछे है और वी आई से आगे है, यानी कि इस कंडीशन में स्टूडेंट्स आपका वी लीड करेगा और आपकी करंट क्या करेगी, लैग करेगी। यानी कि इंडक्टिव सर्किट में हम जो फेजर होता है या जो हम लीडिंग और लैगिंग बोलते हैं वो करंट के नेचर को ही देख के बोलते हैं। अगर आप वोल्टेज भी देख के बोलते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन हम करंट को क्या यहां पे देंगे, थोड़ी सी करंट आपकी लैग करेगी ड्यू टू मोटर ऑन नो लोड है। ठीक है, मोटर के जो वाइंडिंग्स हैं स्टेटर के
इनमें जो इंडक्शन फिनोमेना है उसके कारण आई आपकी लीड लैग कर गई और कितनी डिग्री 5 डिग्री, 5 डिग्री आपने आई को लैग करा दिया और मोटर आपको ऑपरेटेड है भी आपने दिया, यहाँ पे आपका बैक ईएमएफ जनरेट हुआ जो कि टॉर्क एंगल की वैल्यू डेल है और आपका ईआर रिजल्टेंट फेजर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट फेजर डायग्राम निकल के आता है सिंक्रोनस मोटर का नो लोड पे। अब कल के वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर का लोड पे फेजर डायग्राम देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।